ये वीडियो मैंने आधी कप की रिकॉर्ड कर ली थी, बट पूरी रिकॉर्ड करने से पहले मैं सो गया था तो वीडियो नहीं आ पाई। बट सो यस, फाइनली आई एम बैक विथ एडिटिंग कंटेंट। तो ये बात है उस दिन की जब मेरे पास टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही थी। हाँ, वो तो हमेशा ही रहती है। खैर छोड़ो उस बात को। टॉपिक की तलाश में मैं पहुंचा इंस्टाग्राम की गलियों में, बट वहाँ तो कच्चा बादाम और बहुत सारे लंगड़े लोग ही चल रहे थे। उन्हें लंगड़ा देखकर मुझे उन पर दया आई, बट मैं कुछ कर नहीं पाया। बट इनको देखकर मेरे खुरापाती दिमाग में एक सवाल आया कि कहीं आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, ये सब बड़े बड़े क्रिएटर भी तो कच्चा बादाम पर डांस नहीं कर रहे। बट वो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। वो तो इतने अच्छे हैं कि अपने वीडियो में गाली भी नहीं देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फिर मैंने सोचा कि राउंड टू हेल वाले तो हर ट्रेंड को रिक्रिएट करके उन पर वीडियो बनाते हैं। अकाउंट पर गया, बट वहाँ तो उनकी सारी पोस्ट ही गायब थी, बस बारीक अक्षर में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने जूम करके देखा, यूट्यूब पर चला जा बॉस। हैं, ये क्या लिखा है? ये पढ़कर मैं तुरंत ही उनके यूट्यूब चैनल पर गया और वहाँ मिल गया टॉपिक। भाई आज तो पार्टी होगी, आज की पार्टी तुम्हारी तरफ से। तो आज हम करेंगे राउंड टू हेल के इस वाले थंबनेल को रिक्रिएट। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी औकात थी क्या है? भाई मैं राउंड टू हेल का हेटर नहीं हूँ, मैंने भी उनको सब्सक्राइब कर रखा है। दिखाऊं क्या? गेम ओवर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। अपने मोबाइल को रोटेट कर लो पहले। सबसे पहले चाहिए हमको थंबनेल में आने वाले कैरेक्टर। तो नाजिम भाई के इंस्टाग्राम पर गया था, बट वहाँ तो उनकी ऐसी फ़ोटो मिली ही नहीं जो मैं थंबनेल में लगा सकूँ। बट हमने लगाया जुगाड़। समझ रहे हो? मैं गया राउंड टू हेल के वीडियो पर, वहाँ पर वीडियो को पोस्ट किया और फिर लिया स्क्रीनशॉट। बट इसमें भी एक दिक्कत हो गई थी जो बाद में पता चल जाएगी, देख लेना। और जियान भाई की ये बुढ़ापे वाली फ़ोटो ढूंढना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ना तो ये इनके इंस्टाग्राम पर मिली और ना ही इनके यूट्यूब वीडियो में। बट दो तीन बार देखने के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ये स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा, वरना वीडियो रुक जाएगी। तो फिर फाइनली मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। बट इसमें भी एक दिक्कत थी कि ये पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो रहा। जैसे तैसे करके हमने कैरेक्टर तो ढूंढ लिए थे, बट अब इनको करना था इरेज, और ये करने में कतई हालत ख़राब। पहले किया नाजिम भाई का इरेज। समझ रहे हो? मतलब फोटो। और मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा था वो है नाजिम भाई के बाल, आधे कट चुके हैं। अब इनको फिर से कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं जियान भाई, और उनका भी इरेज किया, नाजिम के साथ ही कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि बाद में मैं क्रॉप कर दूंगा। एंड बैकग्राउंड में चाहिए था रेगिस्तान, तो उसके लिए मैं गया गूगल ब्राउजर पे एंड सर्च किया, और फिर फ्री वाली इमेज हमने की डाउनलोड। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं पिक्सल लैब, और फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। एंड इस फुटेज की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि मेरा मोबाइल पूरा लैग करने लग गया था, बट तुम्हें बोर ना लगे इसलिए करना। और फिर इरेज किए हुए कैरेक्टर को इधर उधर खसका कर देखा कौन कहाँ सही लग रहा है, एंड नीचे कैरेक्टर कटे हुए ना लगे इसलिए शेप्स लिए और उनको ब्लैक रंग में कर एडजस्ट कर लिया। एंड ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो गई थी, बट बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी है। ये ब्लैक शेप एडजस्ट हो ही नहीं पा रहे थे, बट जैसे तैसे करके हमने फाइनली एडजस्ट कर ही दिए। एंड अब बारी थी टेक्स्ट की। राउंड टू हेल के थंबनेल में जो टेक्स्ट था वो तो पिक्सल लैब में मिला ही नहीं, बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। बट मैचिंग करने के लिए मैं उनका ओरिजिनल थंबनेल ही ले आया था यहाँ पर, और फिर टेक्स्ट का काम चालू किया। टेक्स्ट को एडिट करना और एडजस्ट करना ये ज़्यादा कठिन नहीं था, इसमें ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी बच गया और मेरे मोबाइल की स्टोरेज भी। 150-200 सालों के बाद फाइनली टेक्स्ट का काम भी ख़त्म किया। अब देना था बस थोड़ा सा फाइनल टच। बट उससे पहले फन पार्ट, ये देखो नाजिम भाई के कटे हुए बाल को एडजस्टिंग। एंड फाइनली 150-200 सालों के बाद, कई मुसीबत मुशक्कत और फलाना ढिमकाना जो भी है उसके बाद,
हमको मिला फाइनल मैजिक। सो ये था फाइनल रिजल्ट, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, बस डिफरेंस ये है कि उन्होंने लैपटॉप या पीसी में की एडिट किया है और हमने अपने सस्ते एंड्रॉयड में। मेरे हिसाब से ये राउंड टेल का थंबनेल जिसने भी बनाया है उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी होगी, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है ब्रो। और यार अगर हो सके तो ये थंबनेल राउंड टेल के किसी भी मेंबर के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करना, और अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं यार, हम और ट्राई करेंगे कभी और। तो बस इस वीडियो को करते हैं ये पे ख़त्म, और कमेंट करके बताना कि क्या तुम्हें ऐसे और वीडियो चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। लव यू ऑल, बाय।